मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने जब से मुंगेर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है तब से दो लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, एक तेजस्वी यादव और दूसरे नीतीश कुमार। जहां नीतीश कुमार की साख दांव पर है और ललन सिंह पहुंचे हुए हैं नीतीश के सबसे नंबर वन आदमी पहुंचे हुए चुनाव लड़ने के लिए अनंत के खिलाफ, वहीं तेजस्वी यादव को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव को यह परेशानी हो रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की टिकट वहां से मुंगेर से किसी और को देना चाहते थे, और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव अनंत सिंह के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट तक कह दिया था। उसके बाद कांग्रेस लगातार नजदीकियां बढ़ा रही है अनंत सिंह के साथ, ये बात तेजस्वी को अच्छी नहीं लग रही है। इन्हीं सभी कारणों से महागठबंधन की सीटों का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ऐसे कई सीट है जहां पर पेच फंसे हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर तकलीफ कहीं हो रही है तो वो है मुंगेर की सीट। मुंगेर की सीट को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस ने दबी जुबान में ही अनंत सिंह को ओपन हैंड दे दिया है, मगर याद कीजिए जब अनंत सिंह अपनी रोड शो कर रहे थे उस दौरान भी कांग्रेस का लोगो लेकर अपनी गाड़ी में लगाकर और अपने आप को कांग्रेस का उम्मीदवार कहके रोड शो कर रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उनसे बात की और क्षेत्र की जनता ने भी उन्हें कहा कि आप सिंबल लेकर आइए तब कांग्रेस का लोगो लगाइए, जिसके बाद उन्होंने रोड शो कैंसिल कर दिया था और वो वापस पटना आ गए थे। मगर इसके बाद जब कांग्रेस ने अपनी रैली की घोषणा की, इसमें फिर से वो कांग्रेस के रंग में दिखे। कांग्रेस की रैली के लिए रोड शो किया, इस रोड शो के दौरान उनके साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ एक गाड़ी में बैठकर उन्होंने कांग्रेस के लिए इस रैली के लिए लोगों को आमंत्रित किया, एक बड़ा हुजूम लेकर घूम रहे थे। इस दौरान भी वो बात बार बार कह रहे थे। न्यूज बिहार ने भी उनसे कई बार बात करने का प्रयास किया, कई बार हमने उनके इंटरव्यूज को आपको दिखाया। इस दौरान भी वो लगातार दावा कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। मगर कांग्रेस तेजस्वी यादव और आरजेडी को खफा नहीं करना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक खुले तौर पर मुंगेर से उनके लिए हामी नहीं भरी है। मगर एक बड़ी खबर आई है हमारे पास। इस खबर के बाद से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि मुंगेर से अनंत सिंह को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है और आने वाले समय में मुंगेर की टिकट अनंत सिंह के हाथ में ही जाएगी। अब हमको बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस अपने टिकटों को जिन लोगों को देती है, इससे पहले उन लोकसभा क्षेत्रों में एक सर्वे कराती है। ये सर्वे या तो लोग पहुंचकर लोगों से बात करके करते हैं या फिर फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को फोन करके AICC यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय पैनल से लोग फोन करते हैं और फोन करके क्षेत्र की जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि किसको अगर टिकट मिले कांग्रेस का तो वो कांग्रेस के लिए जीत सुनिश्चित कर सकता है। इस क्रम में मुंगेर के कई लोगों को कांग्रेस की तरफ से फोन आना शुरू हो गया है। हालांकि फोन करने वाले लोग ये नहीं बोलते हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से हैं या फिर आरजेडी की तरफ से, मगर वो ये पूछते हैं कि एनडीए के खिलाफ सबसे ताकतवर उम्मीदवार मुंगेर से कौन हो सकता है। बोलने वाले ने यह भी पूछा है कि कांग्रेस अगर इस सीट पर लड़ती है तो उसे किसे लड़ना चाहिए। इन सभी खबरों के बाद एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कई लोगों ने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया, लोगों ने बताया कि उन्हें कॉल्स आ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि अगर मुंगेर से अनंत सिंह को लड़ाया जाएगा तो क्या वो एनडीए के खिलाफ जीत जाएंगे। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि हां, अगर मुंगेर से अनंत सिंह को चुनाव लड़ाती है कांग्रेस तो कांग्रेस की एक सीट बढ़ जाएगी। ऐसे में एक बात स्पष्ट है, मदन मोहन झा ऑलरेडी बात करके राबड़ी देवी से पहुंच गए हैं राहुल गांधी के पास। कहा जा रहा है कि 9 तारीख यानी कल आरजेडी अपना एक समीकरण बना लेगी। आरजेडी अपनी सीटों को अपने उम्मीदवारों को तय करके कहीं ना कहीं एक मैसेज देगी महागठबंधन को कि हमने अपनी तैयारी कर ली है, आप अपना अपना जल्दी देख लीजिए। मगर इससे पहले ही कांग्रेस ने राबड़ी देवी से मुलाकात करके अपने प्रोबेबल लिस्ट को उनसे शेयर करा दिया है और बहुत जल्दी इस लिस्ट को लेकर कांग्रेस में भी, जैसे कि मदन मोहन झा पहुंच चुके हैं दिल्ली, एक आम राय बन जाएगी। उसके बाद कहा जा सकता है कि मुंगेर की सीट पर फिर से अनंत सिंह का कब्जा हो सकता है।
इसलिए उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। मगर फिलहाल एक बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से सर्वे करा रही है कांग्रेस, जिस तरह से दबी जुबान में ही, मगर कांग्रेस ने भी अपने तरफ से रजामंदी दे दी है। अब तेजस्वी यादव चाहे या ना चाहे अनंत सिंह मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और यह देखना जरूरी हो जाता है कि अनंत सिंह जो 4 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं, ये होता है या नहीं। न्यूज बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।